नमस्कार जी मैं संध्या फ्रेंड्स ये देखिए रेन लिली के फ्लावर अब खिलने लगे हैं जरा सी भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं बस ये खिलना स्टार्ट कर देते हैं ये देखिए इसमें बर्ड भी आई हुई है और इसको लगाया मैंने किसमें है पॉली बैग में तो अभी तो मैं इनको सेपरेट नहीं कर रही हूँ अगर मेरा कोई भी पॉट वगैरह खाली होगा तो मैं इनको सेपरेट भी कर दूँगी ये देखिए गर्मियों की वजह से धूप की वजह से कितना ये झुलस से गए तो ये देखिए ये और डेली का डेली उसमें मैं पानी डालती ही रहती जैसे और प्लांट में डालती हूँ वैसे इसमें भी मैं डाल ही देती हूँ तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए तो फ्रेंड्स गार्डन में जो है प्लांट को पानी देने के साथ साथ आज मैंने बहुत सारे काम किए हालांकि शाम हो गई है तो अब मैंने काम बंद कर दिया है सो, सोचा कि जो मैंने काम किया है आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट पर मैंने क्या क्या काम किए हैं तो सबसे पहले ये गुड़हल का प्लांट देख लीजिए इसका पिछली बार भी मैंने आ, मतलब एक साल से कोई प्रूनिंग या ट्रिमिंग कुछ भी मैंने इसका नहीं किया था ना सॉफ्ट प्रूनिंग ही की थी और ये फूल इतना देता रहा इतना देता रहा इसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इसकी प्रूनिंग करूँ तो इस बार अभी मौका मिला है इसने फूल देना बंद कर दिया था तो मैंने इसकी काट छाट कर दिया है और इसके कट इसके जो कटिंग थे उसको मैंने एक बकेट में पानी भर के उसमें रख दिया है अब मैं कल उसको उसकी कटिंग को ग्रो कर लूँगी तो चलिए उसको भी दिखाती हूँ ये देखिए उसकी कटिंग करके मैंने पानी में ये डाल दिया है शाम का टाइम है पूरी रात भर के लिए मैं यहीं पे छोड़ दूंगी और रात भर में ये ठंडक बनी रहेगी और पानी बकेट में मैंने डाल ही रखा है तो कुछ कटिंग मैं ग्रो कर लूँगी और देखूंगी किसी को चाहिए होगी कटिंग तो कुछ उसको भी मैं दे दूँगी तो ये इतनी सारी उसकी कटिंग निकली हुई है और बाकी कोचिया के प्लांट को देखिए मैंने ये रिपोर्ट कर लिया है ये और कुछ नन्हे नन्हे से अभी उगना स्टार्ट हो रहे हैं तो जैसे जैसे ये उगेंगे वैसे वैसे मैं कोई पॉट वगैरह खाली होता जाएगा तो मैं इसमें उसको ग्रो करती जाऊंगी तो अभी इसको मैंने छाए में ही रखा हुआ है और जब तक सही से ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको छाए में ही रखूँगी फिर उसके बाद मैं पूरे दिन की सनलाइट में इसको रख दूँगी जहाँ रखना होगा बाकी ये रोज़ प्लांट में भी हल्की सी प्रूनिंग की है प्रूनिंग क्या की है जो स्पेंड हो गए थे तो फ्लावर उनकी डेड हेडिंग की है तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए डेड हेडिंग करके मैंने ये यहाँ डाल रखा है और बाकी जो प्लांट में बहुत सारी वीट इस समय उगाई है देखिए अभी इसमें बाकी ही रह गया है इसमें वीट कितना सारा उगा हुआ है तो कई सारे प्लांटर ऐसे हैं कि जिसमें वीट बहुत उगे हुए हैं तो उनको अब मैं धीरे धीरे निकालना शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो फिर क्या है प्लांट की एनर्जी खुद ही सक कर लेते हैं और प्लांट जो है फिर कमज़ोर रह जाता है या फ्लावरिंग नहीं करता या उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो ये देखिए इतना मैंने निकाल रखा है और शाम हो रही है तो मैं अभी काम मैंने बंद कर दिया है अब मैं कल सुबह में आ फिर से जो भी बाकी रह जाएगा काम वो करूँगी और जिस प्लांट की प्रूनिंग करनी होगी अब मैं इसको किस प्लांट की प्रूनिंग भी धीरे धीरे करती रहूँगी और फंजसाइड का स्प्रे भी करूँगी ताकि इन पर फंगस वगैरह ना लगे बरसात में क्या होता है कि फंगस बहुत तेज़ी से लगता है तो ये टाइम टाइम से क्या है हर पंद्रह दिन पे बीस दिन पे प्लांट को फनजीसाइड का स्प्रे करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो जैसे अब ये देखिए ये प्लांट क्या है ख़त्म हो चुका है इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है तो इसको मैं अब हटा दूंगी तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जिनकी लाइफ खत्म हो गई है उनको मैं हटाती रहूँगी और जिनकी प्रूनिंग या कटाई छटाई होनी होगी तो उसको मैं करती रहूँगी और कटिंग भी लगाती रहूँगी प्लांट भी मुझे रिपोर्ट वगैरह करने हैं तो उनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी अब जैसे ये देखिए क्रोटन का प्लांट मेरा ख़राब सा हो गया था तो मैंने यहाँ से कटाई छटाई कर दी है अब मैं इस समय तो आज तो नहीं अब मैं कल इस पर फनजीसाइड का स्प्रे करूँगी और ये देखिए ये मैंने मनी वो सॉरी मनी प्लांट कह रही हूँ ये मैंने पान के प्लांट की कटिंग लगाई थी तो जो कि अच्छी तरह चलने लग गई है और बरसात का मौसम भी अब स्टार्ट ही हो गया है तो अब मैं इनको अच्छे से किसी बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी तो ये तो देसी प्ला पान का प्लांट है और ये बनारसी पान का प्लांट है ये देखिए तो मैं इनको रिपोर्ट करूँगी ताकि ये ग्रोथ जो है अच्छे से करे क्योंकि बरसात का मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और पान के प्लांट के लिए तो पानी या नमी या मॉइस्चर वाला जो है वो मिट्टी वगैरह या जो भी स्टिक वगैरह होती है उस पर मतलब थोड़ा नमी बने रहे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी और हेल्दी होती है तो अब मैं इनको भी रिपोर्ट कर दूँगी बाकी चंपा में फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी हो रही है इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है और जो मैंने कटिंग से इसी इसी ये मदर प्लांट है तो इसी की कटिंग लेकर मैंने लगाया था चलिए उससे भी मैं दिखाई देती हूँ ये देखिए मैंने कटिंग से लगा रखा था तो ये भी इसकी पत्तियाँ भी वगैरह देखिए कितनी अच्छी रुकी और पौधा भी कितना अच्छा रुका और इसमें भी बड आना स्टार्ट हो गई है इस जगह पर ये देखिए इस जगह पर ये बड आना स्टार्ट हो गया है इधर भी इधर भी तो ये भी प्लांट मेरा बड़ा अच्छा चल चल गया है और ये देखिए इतनी सी ये इसमें लगा था इसी में मैंने कटिंग इसकी लगाई थी और इसी में ये इतना बड़ा हो गया है और इसमें भी अब बड भी बनने लग गई है और फ्लावरिंग भी कुछ ही दिन में होने लग जाएगी तो मैं आप लोगों को तो टाइम टू टाइम पे शेयर करती रहूँगी बाकी वेरिकेटेड वाला वोगन वा वी लिया ये देखिए ये ऐसा पिंक में हुआ है फिर धीरे धीरे ये लाइट पिंक होगा सफ वाइट होगा फिर उसके बाद ये स्पेंड हो जाता है तो ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है ये बाकी इससे पहले का पहले की वीडियो में मैंने दिखाया था इसको रिपोर्ट करते हुए अब इसका इसको पर्पल कलर का है तो इस ये देखिए इसके फ्लावर देखिए ये ये कल अब ये खिल जाएगा तो ये देखिए ये बिल्कुल पर्पल कलर का है बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसमें होता है और ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से अब ये चलने लगा है ना ये मुरझाया है ना इसने बट गिराई है अपनी और ये अच्छे से चल रहा है रूट बॉल मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं था तो ये फिर इसका चलना तो था ही अब रूट बॉल डिस्टर्ब करती तो दिक्कत हो जाता रूट बॉल डिस्टर्ब करने का कोई कारण भी नहीं था क्योंकि घर के मिट्टी में ही मैंने कटिंग लगा रखी थी तो ये देखिए इसमें और भी बर्ड आ रही हैं ये तो ये मतलब ऐसे गिरा हुआ जमीन पे मुझे मिल गया था मैंने कोई कटिंग लगाई होगी तो उसका टुकड़ा ही गिर गया होगा अचानक से मैंने देखा तो मैंने इसको मिट्टी में दबा दिया था और फिर मैं अपने मायके चली गई जब वहाँ से लौट के आई तो देखा इसमें कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई हैं मुझे देख के बहुत खुशी हुई तो फिर मैंने मिट्टी के छोटे से गमले में रिपोर्ट कर दिया और फिर उसके बाद इसकी रूट बाउंड होने लगी ग्रोथ भी रुकने लगी थी अब देख के ही पता लगने लगा था तो फिर मैंने इसको नया गमला दे दिया अब देखिए खुशी खुशी इसमें चलेगा और फूल भी खिलने लग गए खुशी हो रही है इसको देख के मुझे तो फ्रेंड्स शाम का समय हो गया है यहीं पे वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करेगा मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आने वीडियो वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके तो इसी तरह अपने इनवायरमेंट को क्लीन रखिए ग्रीन बनाए मिलते हैं नए किसी नए नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय और आप लोग भी गार्डन में अब काम करना स्टार्ट कर दीजिए और जो भी प्लांट प्रूनिंग कटिंग लगाना हो प्रूनिंग करना हो प्लांट रिपोर्टिंग करनी हो या नए प्लांट लगाना हो वो सब काम आप कर सकते हैं तो ओके फ्रेंड्स बाय बाय